हाँ जी, तो ये है पोको M5 4G। और ये जो स्मार्टफोन है पिछले तकरीबन एक महीने से मेरे पास में है। अच्छे खासे तरीके से मैंने इस स्मार्टफोन को यूज किया है, एज अ सेकेंडरी डिवाइस भी मैंने यूज किया है। इसके अंदर सिम भी डाली हुई थी, इससे काफी सारे कॉल्स भी लिए हैं। एंड यस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन इसी फोन के बारे में कि इस एक महीने में इस फोन के साथ में मेरा जो अनुभव रहा वो कैसा रहा, इस फोन का इन हैंड फील कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कितना है, सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, बिल्ड क्वालिटी इस फोन की काफी बढ़िया है। यहाँ पर बैक में आपको प्लास्टिक का बैक दिया गया है लेकिन लेदर फिनिश के साथ में आता है एंड लिटरली काफी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक ग्लॉसी आईलैंड दिया गया है जिस पर डस्ट काफी ज्यादा चिपकती है, जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान भी काफी ज्यादा पड़ते हैं, तो बार बार आपको साफ करना पड़ता है। लेकिन बाकी का जो बैक पैनल दिया हुआ है इस पर स्क्रैचेस की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है एंड इन हैंड फील भी फोन का अच्छा रहता है। फ्लैट फ्रेम्स के साथ में फोन दिया गया है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चेन आपको देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मोटा फोन है, थोड़ा सा भाई साहब बल्की है, हेवी वेट है, लेकिन इन हैंड फील जो है इस लेदर फिनिश के कारण काफी अलग सा लगता है। इस सेगमेंट में ऐसा बिल्ड क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। पोको ने काफी अच्छा काम किया है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। थोड़ी सी डिफरेंट अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पर आपको बढ़िया लगेगा। डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो 6.58 इंचेस का यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है। इस डिस्प्ले के साथ में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो कलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो काफी डल आपको मिलते हैं। काफी इसका जो डिस्प्ले है वो बुझा बुझा सा लगता है, फीके फीके से कलर्स यहाँ पर मिलते हैं। सो यस, आईपीएस एलसीडी जरूर से दिया गया है लेकिन उतना बेटर नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वॉलपेपर में कोई चमक ही नहीं है भाई, मतलब यार थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले यहाँ पर होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर आपको हायर रिफ्रेश रेट दिया गया है लेकिन कलर्स उतने बेटर नहीं है। आईपीएस एलसीडी का क्वालिटी उतना बेटर नहीं है जितना दूसरे फोन्स में देखने के लिए मिलता है। अगर इसको हम कंपेयर करें आईक्यू Z6 लाइट 5G से, यहाँ पर भी आपको आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है। इसी प्राइस सेगमेंट का फोन है लेकिन इसके जो कलर्स है वो इसके कंपेरिजन में कहीं ज्यादा बेटर है। सो यस, डिस्प्ले ने मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यूइंग एंगल्स है वो तो काफी अच्छे हैं। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन है। Amazon Netflix पर आप कंटेंट देख सकते हैं। YouTube की अगर बात करेंगे तो 1440 पिक्सल्स पर 2K वीडियो आप यहां पर प्ले कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस डिसेंट है, चूंकि कलर्स उतने बेटर नहीं है तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर विजिबिलिटी बढ़िया है, आउटडोर विजिबिलिटी भी बढ़िया है, वहां भी आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। स्मूथनेस को आप फील कर सकते हैं, स्मूथनेस में आपको दिक्कत नहीं है लेकिन हल्के फुल्के जिटर्स भी आपको कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ MIUI 13। ये भाई साहब डिस्प्ले की कोई दिक्कत नहीं है, ये UI के कारण ऐसा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी जो है भाई स्मूथ है, स्मूथनेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, टच जो है आपके बढ़िया तरीके से रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन कलर्स जो है वो आपको काफी फीके लगेंगे एंड दैट इज वाई इसका जो डिस्प्ले है मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो MediaTek Helio G99 चिपसेट दिया गया है। G99 चिपसेट 6 नैनोमीटर का चिपसेट है एंड एनर्जी एफिशिएंट है, लिटरली बैटरी बैकअप इस फोन का काफी अच्छा है एंड थर्मल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। ये फोन बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, मैंने इसको इंटेंस यूज करा, बेंचमार्क टेस्ट रन करे बैक टू बैक, गेमिंग इसके अंदर बहुत सारी करके देखी लेकिन ओवरहीटिंग का इशू यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी मिल जाती है, स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है एंड कोई भी परफॉर्मेंस लैग्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते भाई साहब। परफॉर्मेंस लिटरली यहां पर आपको स्टेबल और काफी अच्छी मिल जाती है, सो वहां शिकायत नहीं है। गेमिंग की अगर बात करेंगे तो 40 FPS की गेमिंग का सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा ग्राफिक सपोर्ट यहां पर आपको नहीं मिलता है लेकिन 40 FPS की अगर आप गेमिंग करते हैं तो भाई साहब कॉन्स्टेंट आपको FPS मिल जाते हैं, 38-39 FPS की गेमिंग हो जाती है एंड गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। हालांकि मेरे पास जो फोन है वो 4GB रैम वाला फोन है तो हल्के फुल्के कहीं कहीं स्टटर्स देखने के लिए मुझे मिले हैं, हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स भी मिलते हैं जब मैं भाई साहब आधा पौन घंटे से ज्यादा गेम खेल लेता हूं। 45 मिनट तक मैंने नोटिस किया है कि कोई भी लैग्स या ड्रॉप्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो यस, गेमिंग का एक्सपीरियंस भी फोन के साथ में बढ़िया रहता है, वहां भी आपको शिकायत नहीं आती है।
साथ ही साथ यहां पर आपको LPDDR4X RAM दी गई है एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलता है। RAM मैनेजमेंट फोन का अच्छा है, मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं वो RAM में रहती है एंड यस ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग का भी जो टाइम है वो काफी अच्छा है। स्टोरेज की स्पीड भी काफी अच्छी है, रीड राइट की स्पीड भी बढ़िया मिल जाती है। सो परफॉर्मेंस इज नॉट अ कंसर्न, परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छा मिलता है। इसके बाद में कैमरास की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी है और 2-2 मेगापिक्सल्स के दो छोटू यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब दो छोटू की तो हम बात नहीं करेंगे, प्राइमरी कैमरा की बात करेंगे एंड प्राइमरी कैमरा ने भी बहुत ज्यादा मेरे को खुश नहीं किया भाई। इसका जो प्राइमरी कैमरा है ये ओकेइश कैमरा है, मतलब यहाँ पर कलर्स आपको ओकेइश देखने के लिए मिलते हैं, डायनामिक रेंज भी आपको ओकेइश मिलती है, शार्पनेस भी ठीक ठाक है, डिटेल्स भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है, ओवरऑल अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अच्छी इमेजेस निकल करके आ जाती हैं, थोड़ी सी कम लाइटिंग कंडीशन में उतनी बेटर इमेजेस नहीं आती है एंड लिटरली नाइट में ये जो कैमरा है ये स्ट्रगल करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेयर कैमरा के जो आउटपुट है वो डिसेंट निकल के आते हैं, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं एंड उससे ज्यादा वो परफॉर्म करता भी नहीं है। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं एवरेज परफॉर्मेंस एंड एवरेज आउटपुट ही आपको निकाल करके देता है। कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर एंड वीडियो क्वालिटी भी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा का जो आउटपुट है काफी फीका सा आउटपुट आता है, स्किन टोन जो है काफी सॉफ्ट आते हैं, डिटेल्स आपको कम मिलती है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी बहुत ज्यादा डिटेल्स यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, डायनामिक रेंज ठीक ठाक है, कलर्स वगैरह ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। सो यस ओवरऑल अगर देखा जाए कैमरा सेटअप को, रेयर कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, किसी की भी बात करें तो ओकेइश आउटपुट निकल के आते हैं एंड यस कैमरा के मामले में उतना ज्यादा बेटर काम नहीं किया गया है, कोई भी अपडेट्स अभी तक इस फोन में नहीं आए हैं कि कैमरा को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाए। सो यस हो सकता है कि अपडेट के थ्रू थोड़े बहुत चीजें यहां पर पुश की जाए लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आउटपुट बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। सो यस कैमरा वाइज उतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया है। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करेंगे तो 5000 एमएएच की बैटरी यहां पर आपको मिल जाती है, 18 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 22.5 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। इस फोन को चार्ज होने में लगते हैं लगभग 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे में फोन जो है 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाता है लेकिन बैकअप आपको बहुत अच्छा देता है। एक बार अगर आप फुल चार्ज कर लेंगे, ओवरनाइट लगा देंगे, दिन भर, एक दिन से ज्यादा, 1.5 दिन, 1.5-2 दिन तक आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। 7.5-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये फोन आपको आराम से निकाल करके दे सकता है। सो बैटरी मॉड्यूल इस फोन का काफी अच्छा है। वैसे इस फोन का डिटेल बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट हमने किया हुआ है, अगर वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। वैसे अगर देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करें तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आपको दिए गए हैं, ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज्यादा दबी हुई भी नहीं है, डिसेंट ऑडियो आउटपुट निकल करके आता है एंड यस डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होना चाहिए था, पोको ने दूसरे फोन्स में दिया है इसी सेगमेंट में लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन होने के कारण थोड़ी बहुत कटौती की गई है एंड वन ऑफ द कटौती इज कि यहां पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके बाद में बायोमेट्रिक्स की बात करें, सेंसर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है विच इज नॉट दैट फास्ट, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, कभी कभी 2 बार टच करना पड़ता है एंड कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि 2 बार टच करना पड़ता है जब जाके अनलॉक होता है, लेकिन हाँ एक्यूरेट है, ये दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्लो मेरे को लगता है। फेस अनलॉक की अगर बात करेंगे तो फेस अनलॉक बढ़िया तरीके से काम करता है, फेस अनलॉक में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी दूसरे सेंसर्स की बात करें तो छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स दिए गए हैं एंड सारे सेंसर्स बढ़िया तरीके से काम भी करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। हैप्पी दिवाली। तो सेंसर्स में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, IR ब्लास्टर भी यहां पर आपको दिया गया है। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे, एंड्रॉइड 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, साथ में मिलता है MIUI 13। अब प्रॉब्लम यह है कि ये वाला जो MIUI 13 है स्पेशली इस फोन के साथ में उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज मुझे नहीं लगा, इसमें भाई साहब ऐसा बल्की सा UI लगता है, थोड़ा सा हेवी सा लगता है एंड क्लटरीनेस लगती है, उतना ज्यादा स्मूथनेस मेरे को अभी तक फील नहीं हुई है एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत स्टटर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, UI लैग्स बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उतना ज्यादा मजा सॉफ्टवेयर के साथ में मुझे नहीं आया है एंड जैसा मैंने आपको बोला अभी तक कोई अपडेट भी यहां पर पोस्ट नहीं किया गया है जो इन चीजों को फिक्स कर सके। सो यस सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अभी तक मेरा उतना ज्यादा बेटर नहीं रहा है। इसके बाद में कॉलिंग की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको सेकेंडरी माइक नहीं दिया गया है, नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलता है, सिंगल माइक नीचे की तरफ दिया गया है एंड कॉल क्वालिटी बढ़िया है इस फोन की, कॉल क्वालिटी में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हाँ सामने वाले के पास में थोड़ा सा नॉइस जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई साहब कॉल हो ही नहीं पाएंगे, कॉल आपके अच्छे से हो जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। नेटवर्क रिसेप्शन की अगर बात करें तो नेटवर्क रिसेप्शन इस फोन का काफी अच्छा है, मेरे को एज सच कोई बड़ी दिक्कतें देखने के लिए नहीं
नहीं मिली, लेकिन हाँ 4G करियर एग्रीगेशन यहाँ पर मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। जियो की सिम मैंने डाल करके देखी थी, VI की सिम मैंने डाली थी, तो करियर एग्रीगेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये चीज मैंने नोटिस करी है। अगर आपके पास में ये फोन है एंड करियर एग्रीगेशन अगर उसमें आपको मिलता है तो प्लीज मुझे बताना, लेकिन मेरे फोन में अभी तक मेरे को करियर एग्रीगेशन देखने के लिए नहीं मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 12,499 रुपए में। ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद में ये जो स्मार्टफोन है आपको और कम में मिल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है तो आप परचेस कर सकते हैं। बाकी कमियां काफी सारी है, डिस्प्ले उतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, कैमरास उतने बेटर यहां पर आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस फोन का काफी अच्छा है। एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन अगर आप लेना चाहते हैं, बजट है आपका 11,000-12,000 रुपए के आसपास, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे, हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं रिव्यू को लेकर के, कोई सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज 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 कमेंट जरूर से करना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।